दोस्तों, अगर आपका SBI में अकाउंट है और आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट को, यानी कि SBI योनो का एप्लीकेशन में रजिस्टर करवाना चाहते हैं और SBI योनो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, और उस वक्त अगर इस तरह का एरर आ रहा है आपके स्मार्टफोन में, यानी कि एरर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस अकाउंट इज़ नॉट लिंक्ड विद द मोबाइल बाई विच यू हैव स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चेक द डिटेल। जबकि आपको पूरी अच्छी तरीके से पता है कि आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो सही है और वही मोबाइल आपके अकाउंट से एसोसिएटेड है, यानी कि वही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तो ऐसे कंडीशन में आपको जो करना है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले आपको ओके पर क्लिक करके इसको हटा देना है, ठीक है? चलिए मैं पॉज कर लेता हूँ और दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आप अपने स्मार्टफोन के होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, ये है हमारा SBI का एप्लीकेशन। तो इसको आप लॉन्ग प्रेस करें ऐसे, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो पे चले जाना है। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ये ऐप इन्फो नहीं होता है लॉन्ग प्रेस करने के बाद, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सेटिंग के एप्लीकेशन को ओपन कर लें। सेटिंग के एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट दिखेगा, तो उस पर क्लिक कर लेना है। और बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ऐप लिस्ट दिखेगा या फिर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन दिखेगा, तो उस पर चले जाना है। और वहाँ पर जाके आपको अपना एप्लीकेशन सर्च करना है, जो कि है योनो SBI, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन हैं जो इंस्टॉल्ड है, जो प्री इंस्टॉल्ड है सारे। और ये देखिए हमारा SBI योनो या फिर योनो SBI। यहाँ जाने के बाद आपको स्टोरेज यूसेज पे क्लिक कर लेना है, और सबसे पहले क्लियर कैशेस कर लेना है, फिर क्लियर डाटा कर लें। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है? और वो नंबर है 8108015880, और इस पर मैसेज लिखना है यस। लिखकर आप सेंड कर दें, आपका प्रॉब्लम जो है तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं उसके बाद, ठीक है? उसके बाद फिर आप जैसे इस पर रजिस्टर्ड करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने सेंड वगैरह कर लिया है। तो इसके बाद आप चले जाएँ यूनो पे, ऐसे एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद कुछ देर ये लोड लेता है, और उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। डिपेंड करता है आपके नेट कंडीशन पर। और उसके बाद फिर यहाँ से आप अलाउ कर दें, और एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करें, और न्यू टू SBI तो आप न्यू वाले पे क्लिक कर लें, ठीक है? यहाँ क्लिक करने के बाद, सॉरी, मैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ तो यहाँ पर मेरे को क्लिक करना है, और फिर यहाँ अलाउ कर लें, और यहाँ पर आप अपना सिम कार्ड चूज़ कर लें, ठीक है? तो मेरा SIM 1 है, तो इस तरह से चूज़ करके आप नेक्स्ट करेंगे, और ये एरर आपको फिर नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको अलाउ कर देना है, राइट? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह की और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।